नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। यूं तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन की धूम पूरे भारत में दिखी और हर जगह प्रधानमंत्री का जन्मदिन अलग अलग और बड़े ही अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में सुलभ इंटरनेशनल के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी का जन्मदिन जिस तरीके से मनाया गया उससे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल सुलभ इंटरनेशनल पब्लिक टॉयलेट्स की सुविधा प्रदान करने के लिए खास तौर पर जाना जाता है और आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के साथ साथ स्वच्छता को लेकर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का जन्मदिन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया जा रहा है। और अब इस बर्थडे सेलिब्रेशन के सबसे खास बात पर अगर एक नजर डालें तो आपको बता दें कि आज पीएम मोदी का 69वां जन्मदिन है, इसलिए यहां 569 किलो का एक लड्डू काटकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान हमारी सहयोगी नेहा वहां मौजूद थी और नेहा ने इस दौरान सुलभ इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट आभा कुमार से भी बात की। देखिए हमारी यह खास पेशकश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। हमारे साथ आज एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हैप्पी बर्थडे वाला बर्थडे है और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुलभ इंटरनेशनल जो संस्था है उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन रखा है और पूरे डिटेल के लिए भी हमारे साथ जुड़ी हुई है आभा मैम। सबसे पहले स्वागत है आपका सिटी पोस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो प्रधानमंत्री जी का हैप्पी बर्थडे है। हाँ, हम सुलभ पूरे सुलभ परिवार की तरफ से, हमारे संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक की तरफ से प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई उनके जन्म दिवस पर। और हमने लगभग ये एक चलन कर लिया है कि हम हर साल उनका जन्मदिन आज स्वच्छता दिवस मनाते हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लड्डू का केक काट के उनका सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे हमारी एक भावना होती है कि पूरे एक साल में हम ऐसा कुछ कार्य करेंगे। जैसे आपको पता होगा स्वच्छ भारत मिशन उनका चल रहा था मोदी जी का, उसमें हमने 5 साल स्कूल टॉयलेट्स, फिर इंडिविजुअल टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, बहुत सारा कार्य किया जो स्वच्छ भारत से हमारा संबंध है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का एक आंदोलन शुरू किया है, उससे भी हम लोग जुड़े हैं। अभी हम लोगों ने 12 और 13 सितंबर को 2 दिन पूरे भारत में हमने 200 जगहों पे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का अभियान चलाया, जिसमें हम लोगों ने लोगों को अवेयर किया, बताया, फिर उनको उसकी जगह उपयोग करने के लिए कपड़े का थैला बनवा कर भी दिया जी। तो आज हम लोग एक तरह से उसका आकलन भी कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमने 200 जगहों पे किया तो किस तरह उसने लोगों को ये समझाया, कैसे लोग उससे प्रभावित हुए, कहाँ तक पहुँचे। तो ये जिस सुलभ के बारे में आप अक्सर सुनते हैं, जिस सुलभ की वजह से हम टॉयलेट फ्री जो सड़कों पे जो टॉयलेट कर दिया जाता था या बाहर मैदान में टॉयलेट बहुत करने की परेशानी थी भारत में, वो सुलभ आभा मैम के संस्थान की वजह से हमें भारत में बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से उसके असर को देखने को मिल रहा है। क्या विजन है इसके पीछे, सुलभ के पीछे थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि सुलभ को डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने जो संस्थापक थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1970 में और 2 मेन ऑब्जेक्टिव के साथ, उद्देश्य के साथ की थी। एक तो वो मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो लोग मैलड होते थे उनको ख़त्म करना, और ओपन डेफिकेशन, जो लोग खुले में शौच जाते हैं उसको ख़त्म करना था। इसके साथ उन्होंने 1970 में सिर्फ 9 लोगों के साथ ये संस्था शुरू की थी और धीरे धीरे उसमें उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया, कार्य करते रहे करते रहे। आज हमारे साथ लगभग 50,000 लोग कार्य करते हैं सुलभ में, जो पूरे 26 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में हैं, और पूरे हमारा पूरा देश भर में हमारा कार्य चलता है। और आपको पता ही है कि सुलभ शौचालय के नाम से सुलभ इंटरनेशनल बहुत ही मशहूर है। हम ही लोगों ने, डॉक्टर पाठक ने ही पब्लिक टॉयलेट की शुरुआत की थी, जिसको मेंटेन भी करते हैं पे एंड यूज मेथड से। तो ऑल टुगेदर हमने 1.5 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए हैं, 9,000 पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए हैं और स्कूल टॉयलेट्स भी लगभग 20,000 बने हैं। तो ये बहुत सुंदर डिटेल आपको आभा मैम दे रही थी कि कैसे हम टॉयलेट बाहरी खुले में टॉयलेट मुक्त भारत कैसे बने हैं, और इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान सुलभ शौचालय का है जो हर जगह हमें देखने और सुनने को मिलती है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पे एक बार फिर से हम दोनों तरफ से उनको बहुत सारा मिशन। और खास बात इस कार्यक्रम की ये रही कि यहाँ पे शायद बहुत 500 कुछ केजी के लड्डू काटे गए। हाँ, हम लोग 500, जैसे प्रधानमंत्री जी इस पर 69th ईयर में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमने 569 केजी का लड्डू का केक बनाया। अच्छा, क्योंकि वो ऐसे भी जो बाहर की वेस्टर्न जो कल्चर है उससे थोड़ा दूर रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, केक की जगह लड्डू, केक की जगह हम लोग लड्डू का केक बना के करते हैं। बहुत सुंदर। तो ये आभा मैम की जुड़ी हुई हमारे साथ स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
बर्थडे के उपलक्ष्य पे, और सुलभ शौचालय जो है, सुलभ इंटरनेशनल एनजीओ है, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है देश को स्वच्छ, देश में एक स्वच्छता फैलाने के लिए। तो थैंक यू मैम आपको सिटी पोस्ट से जुड़ने के लिए, और आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ, सिटी पोस्ट ऐसी खबरें आपको जरूर देते रहे। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे सिटी पोस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।